तो फाइनली आ चुके हैं एक और नए एपिसोड में वापिस। तो वर्ड टू की गाइस बात है वो करने वाले हैं, क्या कुछ नए अपडेट्स हैं, क्या कुछ भाई नई न्यूज है वो निकल के सामने आ रही है। एंड साथ में बात करें भाई यहाँ पे देओल फैमिली की, लास्ट में भाई लगे हाथ बॉबी देओल की बात है वो भी कर लेंगे। देखो इन दोनों की बात करें, सनी देओल जी की साथ में बॉबी देओल जी की, तो भाई इन्होंने 23 में भाई धमाकेदार कमबैक है वो की है। आफ्टर एनिमल बॉबी देओल के पास कई सारे भाई बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो आ रहे हैं। एंड आफ्टर गदर टू सनी पाजी जी के पास भाई कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए रामायण ले लो आप, या फिर लाहौर 1947 ले लो आप, या फिर जो भी वो गोपीचंद वाला एक प्रोजेक्ट करें जिसका नाम फिलहाल जट है बट ये अनऑफिशियली है। एंड गदर टू अगर नहीं आती तो शायद ये कोई भी प्रोजेक्ट है वो सनी जी के पास है वो नहीं जाता। एंड साथ में बात करें बॉबी देओल की, अगर एनिमल में वो नहीं होते तो शायद उनके पास भी इतने ज़्यादा बड़े बड़े पैन इंडिया जो प्रोजेक्ट हैं वो नहीं जाते। सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं सनी देओल जी की। देखो भाई इसमें जो भी बड़ा नाम निकल के सामने आया भाई मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ ये सब देख कर कि भाई मेकर जितना हो सके अपनी तरफ से कोई भी कमी है वो नहीं छोड़ने वाले हैं। एंड पैसा धमाकेदार मेरे भाई वो खर्च है वो करने वाले हैं। अभी जो बड़ी न्यूज आई है कि जो वार सीक्वेंस के कोरियोग्राफर है गाइस वो रहने वाले हैं निक्की पावल। जी मेरे भाई निक पावल है वो रहने वाले हैं। इससे पहले इन्होंने कोरियोग्राफर एज अ इंडियन फिल्म की बात करें तो आरआर फिल्म में काम किया है। अब आरआर ने क्या कमाई की थी, अब फिल्म तो आप सभी ने देख ही रखी होगी। नेक्स्ट अभी जो रिसेंटली पिक्चर आई थी 1000 करोड़ भाई उसने वर्ल्ड वाइड में कमाई की थी प्रवास की, कालकी 2898 AD। मेरे भाई इसमें भी इन्होंने काम है वो किया है। एंड 2018 की 20 फिल्म तो हम सभी ने देख ही रखी होगी रजनीकांत जी की, भाई उसमें भी इन्होंने एज अ वार कोरियोग्राफर गाइस वो किया था। बाकी मुझे इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है वो नहीं है। ये मैंने सिर्फ 3 इंडियन फिल्में ऐसी बताई हैं जिन्होंने भाई अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन भी किया था। आरआर एंड कालकी की बात करें, इन्होंने 1000 करोड़ भाई वर्ल्ड वाइड में कमाई भी की थी, इवन पब्लिक को भाई काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी। एंड एज अ वार सीक्वेंस गाइस कोरियोग्राफ है वो करने वाले हैं। जो गाइस एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो निकल के सामने आ रही है, यहाँ पे कोई भी भाई मेकर्स है वो कमी है वो नहीं रहने देने वाले। इवन बात करें यहाँ पे निधि दत्ता जी की, भाई वो चाहती हैं कि जैसे कि उनकी वाटर वन आई थी जो उनके पिताजी ने भाई डायरेक्शन दी थी, तो उसी लेवल पे हम वाटर टू है वो बनाएंगे। बात करें मेरे भाई शूटिंग की, हमें कब तक देखने को मिलेगी, मेकर्स ने गाइस अपनी लोकेशन है वो फिलहाल लॉक है वो कर दी गई है। 5 मंथ तक भाई वो कंटिन्यू शूटिंग है वो करने वाले हैं। एंड फर्स्ट हाफ जो उनका शेड्यूल रहने वाला है वो रहने वाला है 25 नवंबर जम्मू एंड कश्मीर में, मतलब कि आफ्टर दिवाली में ये शूटिंग है मेरे भाई वो शुरू है वो करने वाले हैं। एंड 25 नवंबर से लेके ऑलमोस्ट अप्रैल 2025 तक ये शूटिंग है गाइस वो करने वाले कंटिन्यू। पहला शेड्यूल इनका जम्मू एंड कश्मीर में होगा, नेक्स्ट भाई ये जनवरी में ऑलमोस्ट राजस्थान में शूटिंग गाइस वो करेंगे। नेक्स्ट उनका जो शेड्यूल रहने वाला है फरवरी लास्ट में वो उत्तर प्रदेश में गाइस वो रहने वाला है। एंड इसकी डायरेक्शन है वो अनुराग सिंह जी भाई वो कर रहे हैं। एंड काफी बड़े पिक्चर है नो डाउट अबाउट, और रिलीज डेट फिलहाल मेकर्स ने कंफर्म कर दी है 2026 रिपब्लिक वीकेंड में ये पिक्चर गाइस वो आएगी। एंड अभी स्टार कास्ट जो हमारे पास नाम निकल के सामने आए हैं फिलहाल मेकर्स ने ऑफिशियली कर दिया, एक सन्नी पाजी तो है ही है, साथ में दलजीत, साथ में वरुण धवन। देखो वरुण धवन सबको भाई वो पसंद नहीं आए हैं कि यार वरुण धवन वो भी एक एक्शन वो दहाड़ उनकी आवाज़ में आएगी नहीं आएगी। जो मेकर्स ने ऑफिशियली कन्फर्म किया था छोटा सा भाई टीज़र दिया था तब भाई उनका जो वॉइस थी ज़्यादा कुछ पब्लिक को पसंद नहीं आई। तो लेट्स सी गाइस अभी देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पे वरुण धवन एज अ पैट्रियोटिज्म फिल्म में किस तरह भाई परफॉर्मेंस करते हैं, अब ये देखना दिलचस्प होगा। ऊपर से वार फिल्म वो भी वरुण धवन, या अब मेकर्स के हाथ में सब कुछ पर उनको किस तरह यहाँ पे प्रेजेंट है वो करते हैं। स्पेशली फॉर निक्की पावल की बात करें उन पर भी भाई नजर है वो रहने वाली है। बात करें यहाँ पे भाई उनके भाई यानी कि बॉबी देओल की, भाई वो क्या कर रहे हैं। देखो बॉबी देओल के पास 2025 का मैं भाई लाइनअप बताऊंगा आप भाई बेहोश हो जाओगे, भाई ये सब क्या चल रहा है, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट तो मेरे ख्याल में जो बिग सुपरस्टार है उनके पास भी नहीं है। देखो अभी उनकी आएगी कंगुआ 14 नवंबर को, ठीक। नेक्स्ट भाई NBK 109 यानी कि बाल कृष्ण के साथ का प्रोजेक्ट है वो आएगी संक्रांति 2025, ये भी पैन इंडिया फिल्म है, कंगुआ भी पैन इंडिया फिल्म है। नेक्स्ट आएगी हरिहरा पवन कल्याण जी के पास जो उनके साथ उनका जो प्रोजेक्ट है ये आएगी 28 मार्च 2025। नेक्स्ट भाई अल्फा अली भट्ट वाली पिक्चर जो 2025।
नेक्स्ट भाई थालावती 69, थालावती बीजे के साथ उनका प्रोजेक्ट है। कल ही भाई ऑफिशियली कंफर्म किया मेकर्स की तरफ से, ये भी पिक्चर आएगी 2025 को। एंड जितने भी गाइस ये प्रोजेक्ट रहने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, एक बॉलीवुड पिक्चर अल्फा, बाकी भाई सभी की सभी फिल्में वो साउथ की फिल्में हैं। एंड इन सभी फिल्मों में एज अ यहाँ पे बॉबी देओल भाई विलन का रोल प्ले है वो कर रहे हैं। एंड उनकी 25 की बात करें, 1, 2, 3, 4 मूवीज है गाइस वो आने वाली, अब तक ये ऑफिशियली कंफर्म है। एंड एक पिक्चर भाई उनकी कंगुआ जो कि दिस ईयर को आएगी आफ्टर दिवाली। तो भाई ये उनके भाई की लाइनअप है। एंड सनी जी की मैंने आशु को बधाई दी है, एज ऑफ नो वो 1947 की बात करें शूटिंग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट SDGM जो उनका प्रोजेक्ट है भाई उसकी वो शूटिंग एज ऑफ नो कर रहे हैं, यानी कि जट गोपीचंद वाला प्रोजेक्ट। एंड आगे गाइस वो बॉर्डर 2 की शूटिंग है वो करने वाले हैं, ये भाई उनकी लाइनअप है। रामायण तो उनके पास है ही है। तो यही था भाई आज का एपिसोड, तो आई होप सभी को भाई अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी डेवाइस एडवांस बुकिंग, डेवाइस क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।